आनंद वर्धन जी, एक दशक तक आपने नौकरशाही को बहुत करीब से देखा है, मतलब बहुत ही ज्यादा करीब से देखा है तमाम पॉलिटिकल सरकारों के साथ। ये स्वरूप कभी आ जाएगा कि रथ निकलेगा और पीछे पीछे IAS अफसर रथ से, अच्छा वो तो अच्छा रथ में घोड़े वोड़े नहीं लगे, वरना IAS अफसर हमारे घोड़े की लगाम खींचते हुए नजर आ जाए। ये कहाँ पे ले जा रही है सरकार, कहाँ ले जाना चाहती है नौकरशाही को? माइक 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 आनंद जी, माइक नहीं हुआ आपका भी, हो गया हो गया हो गया हो गया जी। मैं दो तीन चीजें जल्दी से अपनी बात कह लूं जो अनिल राय साहब ने कहा, अरुण जी ने कहा। देखिए ये दो तीन चीजें हैं जो इसमें, पहले मैं कह लूं कि जो जो कहना क्या चाह रहे हैं, जो एक होता नहीं कहना क्या चाहते हो, तो कहना क्या चाह रहे हैं पहले वो कर लूं, और फिर ये जिनके माध्यम से कहना चाह रहे हैं उनके बारे में बाद में बात करें। पहली चीज ये है कि ये स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि 9 साल की बात करेंगे, क्योंकि इस देश में जो विकास हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, वो 9 साल में, उससे पहले तो 2014 में हमें आजादी मिली थी, उसके बाद हमारा विकास हुआ। दूसरा क्या है, ये अभी तक क्लियर नहीं कि इनका लक्ष्य क्या है। भाई एक आप जब कुछ भी काम करते हैं तो आपका लक्ष्य होता है। मैं एक बात और कहूंगा, अच्छा एक तो चुनाव से एन पहले आप क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये सब आपकी नीयत साफ हो रही है। ऐसा नहीं कि पब्लिक की आंख पर चश्मा लगा हुआ है या वो देख नहीं रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की निगरानी में होगा। और मैं एक और बात कह दूं, अब मैं बात आ जाऊं कि कार्यपालिका कितनी सक्षम है। कार्यपालिका इस तरह के सारे कामों को बहुत इंजॉय करती है। अगर कहीं बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, भूकंप आता है, तो कार्यपालिका बहुत खुश होती है, क्योंकि कार्यपालिका को इसमें, भाई आपकी आदत क्या है, मैं कम से कम उत्तर प्रदेश के बारे में हम और आप तो बिल्कुल साफ दावे से कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश के एवरेज वो है कि बाढ़ आ जाए सब लोग बहुत मगन रहते हैं, क्योंकि वाउचर बनाने में, तो वाउचर बनाने में जो 765 जिलों में जब ये जाएगी तो इसमें वाउचर ज्यादा बनेंगे, इसमें लिखाई ज्यादा होगी, ग्राउंड पे क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि ये फिर उसमें खुश रहेंगे कि इन्होंने ये किया, नहीं करेंगे। दूसरी बात एक और चीज समझ लीजिए, 37% वोट मिले थे ना, 63% वोटों वोट तो नहीं मिले थे, तो उस 63% में भी तो कुछ नौकर चाह रहे होंगे 63%। तो अगर आप जब इन लोग को भेज रहे हैं तो 63% तो आपके प्रचार करने के बजाय कुछ और दुष्प्रचार भी करेंगे, और ये हम और आप पिछले 2-4 महीने में हवा बदल गई है। मैं जब मिल रहा हूं तो नौकरी करते हुए लोग जो सरकार के हैं वो प्राइवेटली बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं, अब हम क्या बोलें, लेकिन हालत खराब है, बुरी हालत कर दी। मैं एक और चीज इसलिए बात कर दूं कि ये एक चीज समझना जरूरी, ये सरकार बहुत पहले से कर रही थी। आपकी जो ऐसी एजेंसीज जो आपका इन्वेस्टिगेशन करती हैं, उसका हमने देखा किस तरह से यूज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ED के डायरेक्टर साहब आज वो रिजाइन करते हैं, कल उनको टिकट मिल जाता है, परसों वो भाजपा के विधायक हो जाते हैं। तो उससे पहले क्या वो एकदम से उनका सब कुछ दिमाग ठीक था कि वो थे? पुलिस कमिश्नर कानपुर जो है वो आज रिजाइन करते हैं, कल टिकट मिलता है, परसों विधायक और नर्सों मंत्री। तो ये तो खुलेआम इस बेशर्मी को भाजपा कर रही थी। भाजपा इस बेशर्मी को तब भी कर रही थी जब इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो राज्यसभा भेजती है। ये भाजपा तब भी कर रही थी जब इस देश के सर्वोच्च, जो सेना के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए, मैं नाम से बोल रहा हूँ, जनरल VK सिंह, जिन्होंने 2 बर्थ सर्टिफिकेट दिए थे, जिनकी 2 डेट ऑफ बर्थ थी, जिन्होंने कोर्ट के उसमें ये कहा कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, उनको सर्वोच्च पद के बैठने के बाद वो तुरंत आके चुनाव लड़ते हैं और इसमें आते हैं। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये याद रखना चाहिए, सेना के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्तियों से हम लोगों की अपेक्षा ये रहती है कि वो न्यूट्रल होंगे, लेकिन अगर कोई एक पार्टी विशेष से इलेक्शन लड़ रहा है तो वो न्यूट्रल नहीं है। एक चीज और याद रखिएगा, ये सारी चीजें ठीक है, ये कहां जा रही है यात्रा, इसको कहा गया है कि 765 जिलों में जाएगी, क्या जाके करेगी, उसको अंग्रेजी में जो अगर आप वो सर्कुलर देखिए तो शोकेसिंग एंड सेलिब्रेशन ऑफ 9 ईयर्स ऑफ गुड वर्क डन बाय दिस। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस देश में एक राज्य है मणिपुर, और उस मणिपुर में 16 जिले हैं। आपकी यात्रा वहां जब जाएगी तो क्या करेगी, कौन सा सेलिब्रेशन करेगी, कौन सा शोकेस करेगी? आपकी हिम्मत भी है कि आप मणिपुर के में आपका वो व्यक्ति जाए? आपको आदमी नहीं मिलेंगे, लोग इस्तीफा देके चले जाएंगे अगर आप मणिपुर में किसी को भेजिएगा तो। आप जब खुद जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन लोगों को भेजिएगा, नौकरशाहों को, जब वहां कुकी और माइती एक दूसरे के यहाँ लाश लेने नहीं आ पा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद नहीं हो पा रहा है, तो आप इन लोगों को भेजिएगा। इस देश में एक 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 स्टेट और है, जम्मू कश्मीर, 20 जिले हैं।
आप यहाँ कहते हैं, दुनिया में कहते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं कि हम 370 के बाद उसको मैंने बहुत अच्छा कर दिया। इलेक्शन को नहीं करा रहे, इलेक्शन तो ओवर ड्यू है, 2014 में लास्ट इलेक्शन हुआ था, 10 साल हो जाएंगे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये बात, ये प्रश्न भी उठेंगे, और ये प्रश्न उठेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी ये सब नीजर के इलेक्शन वो है, आप उसको एक और चीज पढ़िए, अगर गौर से उस लेटर को पढ़िए संजय जी, उस लेटर में कहा गया 18 तारीख का लेटर है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दिल्ली रीजन, कहा गया है कि आ जाए और आज शाम तक आप 15 अधिकारियों का नाम दीजिए, शाम तक, 18 को लेटर इश्यू हो रहा है और 18 ही को कहा गया है शाम तक नाम दीजिए। हो सकता है नाम पहले आ गए हो, ये कवर अप करने के लिए किया गया, उसकी भी संभावना कम नहीं, क्योंकि आप 2 घंटे के अंदर नाम कैसे देंगे, कोई इमरजेंसी है क्या? ये वही नीजर वो है जो मुझे लगता है, जो कहीं कुछ आ रहा है कि अच्छा स्पेशल सेशन बुला लो मामला ठीक हो जाएगा, अच्छा वन नेशन वन इलेक्शन की बात करो मामला ठीक हो जाएगा, अच्छा महिला आरक्षण की बात करो मामला ठीक नहीं होगा। जब मामला बिगड़ गया है तो मामला जब तक आप मूलभूत चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे, ये नौकरशाहों को कहीं भेज के अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ करें, नौकरशाहों की ट्रेनिंग वो नहीं है भाई, इस देश के नौकरशाह की ज्यादा इनकम टैक्स अफसरों की हम और आप इनकम टैक्स में नहीं उलझे क्या? जब दो अफसरों को, इनकम टैक्स के दो अफसरों को आईटीओ को एक साथ बिठाया जाता है, उसके पीछे मूल भावना यह है कि घूस नहीं मांगेगा ये, लेकिन आप जब भी गए वहां मालूम नहीं आपका साबका पड़ा कि नहीं, मेरा तो पड़ा है, तो दूसरा इनकम टैक्स वाला जब घूस, जब फाइनल बात आती है पैसा देने की, तो एक साहब उठ के बाहर चले जाते हैं कि आप आराम से बात कर लीजिए घूस उसकी। इस आप जब वो अब तो आने लगा, जो रिटर्न वापस आता था आपका, आपके कितने लोग हैं जो ईमानदारी से कहते हैं कि बिना 10% दिए उनको वो चेक मिल गया था जो रिफंड का आता था। तो हमारे पास जब इनकल्केटेड है, जब हमारे हमारे डीएनए में अगर वो है, तो इस यात्रा से अगर किसी पार्टी विशेष को लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इस यात्रा से एक यात्रा होगा, कुछ लोगों का बिल बन जाएगा, वाउचर बनने लगेंगे, वाउचर कैसे बनते हैं, कहां जाएंगे, क्या करेंगे, रात में वो पैसे का जरूर हो जाएगा, लेकिन जमीन पे कुछ चेंज होगा इससे मुझे कतई वो नहीं है। ये थोड़ा एक्सपोज हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सारी चीजें एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि एक चीज मैं कह के खत्म करूं, खड़गे जी ने पत्र लिखा मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, जवाब दे रहे हैं नड्डा जी, कहते हैं अडानी जी को, जवाब देते हैं मंत्री जी, तो ये तो अब ठीक है, मतलब क्या मंत्री और क्या संतरी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।